सो गाइस गुड मॉर्निंग, इट्स टाइम टू पैक अप हीरो जी। तो चल रहे हैं, फिर दोबारा मिलते हैं। बिल्कुल, आई होप यू एंजॉय। बहुत मजा आया। अब सुनाओ फटाफट मुंबई। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे लाडो, मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया, मैं जा रहा हूँ। बाय। कोई बात नहीं, बाय, मिलते हैं। नहीं मिलेंगे। चलो प्लान कर मुंबई का ना। सही है, आज तो सुना सुना लगे। और यहाँ पे श्री उठ गई है और इसका पैम्परिंग हो रहा है मॉर्निंग मॉर्निंग। सो गाइज, आप देख सकते हो श्री को कितना पसंद है स्लाइडर्स। सो देखो कितना एक्साइटेड है। एंड बच्चों को भी मैं हमेशा कहती हूँ कि हमेशा फिजिकल एक्टिविटी करते रहना चाहिए। सो गाइज, हमारा एक ऑलरेडी प्लान बन चुका है जो कि सरप्राइज है, आप लोगों को जल्दी पता चलेगा। सो हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल विच इज़ डे अनदर डे। आपको दिख रहा होगा मैं नाइट ड्रेस में हूँ। मैंने बस ये अपना बैग कैरी किया है, बेबी को लेना है, ऑल सेट। हाँ, रिलैक्स। मैं बताने वाली हूँ कि मैं किधर जा रही हूँ। सुबह के हो रहे हैं 3:30। मैं 3 बजे उठी थी, अभी 3:30 बज रहे हैं, 3:30। और हम लोग जा रहे हैं मम्मी को सरप्राइज देने। हम लोग जा रहे हैं मम्मी को होली के लिए सरप्राइज देने। हम लोगों ने रात में प्लानिंग किया था कि हम लोग रात में स्टार्ट करेंगे ड्राइविंग, बट रात में पॉसिबल नहीं हो पाया बस। सो 12 बजे अराउंड सोए हैं, आई थिंक 12:30 और 3 बजे उठ गए हैं। और बस अभी निकलते हैं। अविनाश और पुष्कर गए हैं लगेज वगैरह को नीचे रखने कार में, बेबी सो रही है उसके गोद में लेना, और निकलती हूँ। बाकी आपसे बात करूँगी मैं कार में बैठ के। नहीं है चीज। सो गाइस, अब हम लोग निकल गए हैं और देख सकते हो आप सुबह का हो रहा है 3:48 और पुष्कर चला रहे हैं। इतना बोर में तुम कभी नहीं निकले थे अविनाश, लोग इतना ही बजे। सो गाइज, मेरा मानना है फेस्टिवल फैमिली से ही पूरी होती है, तो हम लोग नहीं रहेंगे तो मम्मी को बहुत ही क्या कहते हैं, उदास लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। कहने को तो उसके पास सारे लोग हैं, बट पापा है, और बट बच्चे अगर नहीं रहें माँ के पास, फैमिली पूरी कैसे होती है। सो या हम लोग भी अपना बेस्ट देने के लिए रात के 3:30 निकल गए हैं, सुबह कह लो, बट हाँ नींद भी पूरी नहीं हुई है। बट एनीवे, मम्मी के लिए तो इतना तो बनता है। सो अभी क्या है सीन बॉस, की बेबी का नींद खुला और इसने देखा एक्चुअली कि ये रास्ते में, देख बेटा इधर, हवा का नहीं इधर से। और फिर हम लोग लगभग तीन घंटे क्रॉस कर चुके हैं और ड्राइविंग सीट पे मैं आ गई हूँ। अभी दिखाया जाए, हमारे ड्राइवर कप्तान साहब चेंज हो गए। सो मैं ड्राइविंग सीट पे आ गई हूँ, अब मैं ड्राइव कर रही हूँ और थोड़ा हल्का फील हो रहा है मुझे, अदरवाइज मुझे नींद आ रही थी। एनीवे, चलो 3 घंटे तो पार हो गए और बस 4 घंटे हैं और बस फटाफट घर पहुंच जाए। तो गाइस, अब चलाएंगे अविनाश दुबे और मैं पीछे बैठूंगी। और ओ माय गॉड, गाना ही मस्त लगा दिया उसके। सो गाइस, हमारे रिचुअल के अनुसार हम आ गए हैं मंदिर। मैं बस फटाफट, मेरे को तो अंदर जा, अरे खुल रहे, खुलने का टाइम है, लोग खड़े हैं। पुष्कर दिखा दो हमारे व्यूअर्स को, बस ऐसे दिखा दो। सो
सो गाइज देखो हमारा सफ़रनामा ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था सुबह के 3:40 में और ऑलमोस्ट अभी बज रहे हैं सुबह के आई थिंक 9। और देखो बेबी भी उठ चुकी है, मस्त अपना बिस्किट खा रही है और मैं भी इंजॉय कर रही हूँ अविनाश का ड्राइविंग। सो या अविनाश भी अच्छा खासा ड्राइव करने लगा है, प्राउड ऑफ हिम। और इतने अच्छे रास्ते से होकर गुजरता हुआ हमारा ये सफ़र। अभी देखो बेबी को थोड़ा पुष्कर टहला रहे बिकॉज इसने पूरा वॉमिटिंग कर दिया। अभी देखो कैसे टहल रही है, वॉकिंग कर रही है। पांच मिनट टहलाने दो उसको और। हाँ बता, कैसे खेल रही है बच्चों के साथ ट्रैवलिंग में ना गाइस, यही हो जाता है प्रॉब्लम। बस वॉकिंग कर रही है। सो गाइस और हम लोग एंट्री कर चुके हैं, थैंक्स विजिट अगेन उड़ीसा, बाय बाय। और झारखंड में आपका स्वागत है। ये देखो एंट्री गेट, इस गेट का तो हमेशा मैं नाम बताती हूँ, सिंह सरदार द्वार। और यहाँ पे है माँ काली का मंदिर। अगेन श्री, इसको वॉमिटिंग हो गया ना तो इस वजह से इसका थोड़ा स्लो हो गई है। अविनाश क्या कर रहे हो भाई, ये अपना रील्स एडिट कर रहे। सो गाइस मैं तो ये ड्रेस वगैरह चेंज कर दिया, आई थी मैं नाइट ड्रेस पहन के, फिर फाइनली मुझे टॉप पहनवा दिया। स्त्री ने वॉमिटिंग कर दिया था मेरे ऊपर। हमेशा ऐसा ही क्यों होता है कि मॉम लोगों को ही सफर करना पड़ता है। खैर मेरा फेस तो बहुत ही गंदा लग रहा है और मैं जाऊंगी घर, फ्रेश होंगी। फ्रेश मैं सोच रही हूँ फ्रेश क्यों होना, बिकॉज फिर तो बहुत ज्यादा गंदा हो ही जाना है। तो मैं एक बार मस्त सा होली खेलूंगी, उसके बाद फिर जाके फ्रेश होंगी और आपको दिखाऊंगी होली कैसा हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। द मेन मुद्दा इज कि आई वांट टू सेलिब्रेट होली विद माय फैमिली, लाइक माय फादर मदर। और दादी भी थी बट वो गांव चली गई है। सो गाइज फाइनली हम लोग 7.5 घंटे का ट्रेवल पूरे करके हम लोग पहुंच चुके हैं घर, हो रहे हैं 11:30। और ये देखो मम्मी कितनी खुश हो गई श्री को देखकर, उनकी नतनी है। सो या अब देखो श्री भी अब मज़े करेगी अपने नानी घर में। गॉड गाइस अभी मैं घर पहुंच गई हूँ, अब थोड़ा सा बस आधा घंटे का नैप लूँगी, रिलैक्स करूँगी, उसके बाद स्टार्ट करती हूँ होली। सब पुष्कर ससुराल का चाय पी के कैसा लग रहा है? हाँ अरे बोलो यार, कौन फेंको ससुराल का आके चाय पी के कैसा लग रहा है? हाँ पहले जैसे लग रहा है, टेस्ट है क्या? हर महीने नहीं पुष्कर, हर 2 महीने में हो गया। हर 2 महीना मतलब 1 महीना इधर 1 महीना उधर, दोनों महीना का तो हम तो आते हैं तो किसी महीने में ही आते हैं ना। तो अच्छा है ना, मतलब सोचो तुम्हारे ससुराल में बेटे के जैसा होता है और इज्जत भी कम नहीं है। ज्यादा कोई आता है तो उसकी इज्जत कम हो जाता है ना। उधर देखो मिक्सचर मिक्सचर तो
गाइस आप देख सकते हो श्री अपना डेरी मिल्क खा रही है। इसके पास 5-6 डेरी मिल्क के पैकेट आ चुके हैं। सो गाइस यहाँ पुष्कर गुस्सा कर रहे हैं अविनाश के ऊपर, आप देख सकते हो, और अविनाश उसको कलर लगा रहा है, वो भी ग्रीन कलर, डार्क वन। सो या इन लोगों की मस्ती चालू है। सो गाइज मेरा भी यही हाल हो रखा था, बट मैंने अपना वीडियो नहीं लिया, बट आधा मैंने साफ किया अपना फेस, तो ये हाल है मेरा। और ये देखो पुष्कर, सो गाइज इवनिंग के टाइम में सारे अगल बगल के आस पड़ोस के जितने भी लोग हैं, नेबर्स, सब लोग आए थे और साथ में होली सेलिब्रेट किया। और देखो बेबी कितनी क्यूट लग रही है। उसके बाद ना गाइस ये मेरी मौसी है और हम लोग मौसी के घर भी आए, और ये देखो मेरा सेवा कर रही है। सो या मैं यही सब मिस करती अगर अकेले मैं सेलिब्रेट करती होली। सो या फैमिली के बिना सच में कोई भी फेस्टिवल अधूरा होता है, और एक मौका मिलता है जो सारे लोग इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, बस यही, इट्स ऑल अबाउट लाइफ। That's it guys, ये मैंने इस तरीके से सेलिब्रेट किया अपना होली और आपके साथ शेयर किया। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।